फ्रेंड्स, लवलाइक गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ जो आजकल विंटर फ्लावर प्लांट्स आ रहे हैं मार्केट में। ये विंटर के प्लांट्स मैं और लाई हूँ, मेरे पास ये कलर नहीं थे। गजानिया मैंने पहले भी आपको दिखाया है, मगर और भी कलर मैंने बाय किए हैं, इनके नए कलर ऐड किए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, गजानिया का ये नया कलर है, वाइट में शेड, कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये इवनिंग टाइम है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा बंद हो रहा है और इसलिए ये अभी आपको नहीं दिख रहा है ठीक से, लेकिन बहुत सुंदर है। जब ये खिलता है तो बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद ये देखिए, ये रेड कलर का है गजानिया और बहुत सुंदर लग रहा है। वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ इसका शेड अलग आ रहा है, लेकिन ये रेड कलर का है, डार्क रेड, और बहुत सुंदर लग रहा है फ्लावर। तो ये भी गजानिया का ही है और काफ़ी बड़े साइज का है ये फ्लावर। इसके बाद ये भी गजानिया है फ्रेंड्स। तो इसमें और इसमें ये देखिए डिफरेंस है, एक सा नहीं है। ये ऑरेंज है और ये रेड है और ये वाइट। तो ये तीन मैंने गजानिया के प्लांट ऐड किए हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं इनको। मतलब इनको आप अभी से लगाएंगे तो मई, अप्रैल मई तक इनको आप इनमें हमेशा फ्लावरिंग पाएंगे। प्लांट्स लेते समय फ्रेंड्स आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि देखिए इनमें इस तरह से, ये देखिए, ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको हटा देंगे। गजानिया में फंगस का बहुत डर होता है, जब हम इसकी केयर यही करते रहेंगे तो इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। इसकी जो पत्तियां नीचे से, ये देखिए, ये टच होती है ना मिट्टी से, ये सूखी पत्तियां, तो ये फंगस बहुत जल्दी पकड़ लेता है और इसको पानी की भी कम नीड होती है। मैंने आपको रिपोर्टिंग भी दिखाई है जो मैं पहले प्लांट लाई हूँ उनकी। तो इस तरह से ये देखिए, जो डैमेज पत्ती आपको दिख रही है ना, तो इसको आप हमेशा रिमूव कर देंगे प्लांट से, उसमें नहीं रहने देंगे, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे। अब हमारा ये प्लांट हेल्दी सा दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख भी लोगे, अगर नहीं है वहाँ पर इस तरह से, वहाँ पर इतनी केयर, तो आप अपने घर लाकर ज़रूर ये चीज़ का ध्यान रखोगे फ्रेंड्स। इस तरह की सूखी लीव्स वगैरह हटा देंगे ये हम अपने प्लांट्स पर, जो मिट्टी में टच हो रही हूँ। मिट्टी में टच होंगी फ्रेंड्स तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा फिर, और ऐसे ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो इसी तरह ये देखिए, इसमें भी है। तो नर्सरी पर इतने प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो एक एक प्लांट की इतनी केयर नहीं करते हैं। वो लोग तो हैवी खाद देते हैं इनको, काफ़ी डोजेस देते हैं खाद की, और उन्हीं खादों के भरोसे ये समझ लीजिए वहाँ पर ये फ्लावर वगैरह खिला देते हैं। और जैसे ही फ्लावर खिलता है बस हम फ्लावर देख कर ले लेते हैं, तो उनका काम बस इतना ही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा नर्सरी में जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ऑर्डनरी सी होती है, बिल्कुल सिंपल मिट्टी में वो लोग लगा देते हैं और खाद देते हैं मेन इनको। और नए पौधे होते हैं तो वो ग्रोथ अच्छे से करते हैं, लेकिन हम जब घर लाते हैं तो उतनी ग्रोथ इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हमें फिर उसके बाद केयर करनी होती है इनकी, जो अब शुरू होती है लाने के बाद से। सो फ्रेंड्स, कुछ शोर के कारण मुझे वीडियो रोकना पड़ा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है, आप सब तो जानते हो, जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं वो जानते हैं अच्छे से, जो वीडियो देखते हैं। तो सो इसके बाद देखिए, मैंने आपको गजानिया के ये तीनों कलर दिखाए मैंने जो ऐड किए हैं नए। और इसके बाद ये देखिए है डैंथस। डैंथस भी हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, अगर हम इसकी इसी तरह फंगस वगैरह से इसको बचाए रहेंगे तो ये पूरे साल चल जाता है। ये ओवर वाटरिंग अगर हम नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छे से पूरे साल चलेगा। इस तरह के जो वीड्स लगी हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, इनको भी आप हटा देंगे। देखिए नर्सरी में हज़ारों प्लांट होते हैं तो वो इतनी केयर नहीं करेंगे, लेकिन हमें अब घर लाकर इनको यही सब केयर करनी है कि इस तरह की लीफ हटा देंगे जिनमें फंगस की प्रॉब्लम होने का डर है। तो इस तरह से, तो ये देखिए कितना प्यारा कलर है डायंथस का, बहुत सुंदर शेड है। तो एक ये ऐड किया मैंने। इसके बाद ये देखिए, मैं लाई हूँ नेस्ट्रेशियम। ये नेस्ट्रेशियम का प्लांट है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी टू ग्रो है। और आप अगर चाहते हैं पॉलीगेटर आपके जो गार्डन में आए, अगर आपने सब्जियों के प्लांट लगाए हैं तो ज़रूर एक एक ही दो प्लांट लगाइए, मगर इसको ज़रूर लगाइए। इससे जो होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भंवरे वगैरह आते हैं हमारे गार्डन में, और उससे आप जानते हो कि फ्लावर वगैरह खिलाने में वो बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत ज़रूरी भी है। हनी बी वगैरह अगर आते हैं तो, और इसको देखकर आते हैं, और उससे हमारे गार्डन में भी बहुत अच्छा पॉलीगेटर आकर मदद करते हैं एक तरह से गार्डनिंग की। तो इसको अगर आप लगाएंगे तो आपके, और ये फ्लावर भी बहुत खूबसूरत है, आप देखिए ये दो ही कलर में आता है फ्रेंड्स, एक रेडिश होता है थोड़ा और ये लेमन टाइप का है, तो येलो। तो ऐसे ही एक ही दो कलर आते हैं, मगर बहुत सुंदर है और बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ भी करता है, और इसमें फ्लावर भी बहुत सारे आएंगे। अभी तो ये छोटा है प्लांट, ग्रो करेगा तो आप देखिएगा बहुत सारे इसमें फ्लावर्स आएंगे, और इसको कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत इजी टू ग्रो है। तो
तो ये नेस्ट्रीशियम है फ्रेंड्स। इसके बाद ये गुलदाउदी, ये बटन गुलदाउदी है, थोड़ी छोटी रहेगी ये वाली हाइट इसकी, हाइब्रिड है फ्रेंड्स, ये देसी वाला नहीं है। तो एक इसको ऐड किया मैंने, और एक और ये डेंथस है। तो ये डेंथस का कलर मुझे नहीं पता है, मैं बस लेके आई हूँ, वो कह रहे थे कि नया शेड है अलग से आएगा इसमें, तो मैंने ले लिया है। और इसका फ्लावर था पर थोड़ा गिर भी गया, तो समझ में कम आ रहा है कलर कौन सा है, मगर ये एक डेंथस का प्लांट है। तो दो मेरे ये डेंथस के प्लांट है फ्रेंड्स, और तीन ये गजानिया हैं, और एक गुलदाउदी, एक नेस्ट्रेशियम। तो आप भी जरूर लाइए फ्रेंड्स, आजकल विंटर में ये सारे प्लांट्स इतने ज़्यादा नर्सरी पर हैं कि इनकी बहार है, समझिए। नर्सरी पर आप जाएंगे तो चारों तरफ आपको फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग दिखेगी, और समझ में नहीं आता कि क्या हम लें और क्या छोड़ें, इतना ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं, मतलब फ्लावर की पूछिए ही नहीं। और सभी में अलग अलग खूबी है, जैसे इसमें शेड देखिए तो इसमें कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, इसका साइज कितना प्यारा है, और ये तो है ही, मतलब कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर है हर प्लांट में। तो आप भी ज़रूर लगाइए इन प्लांट्स को, और अपने विंटर गार्डन को खूब कलरफुल बनाइए फ्रेंड्स। और बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलते हैं अपने इसी टेरेस गार्डन में और किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।